आज़ादी के 75 साल बाद भी पंचायत चौकीदारों को अभी तक नियमित नहीं किया गया व पंचायत चौकीदारों के लिए कोई भी स्थायी नीति नहीं बनाई गई है, ये कहना है पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश के प्रधान जगदीश चंद का, जहां आज संघ की कई मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। गरीब जिन चौकीदारों का शोषण हो रहा है, जो कि 1950 से पीसते जा रहे हैं, आज जो है 2021 हो गया पर सरकार के कान तक जो नहीं रहेंगी, और वो चौकीदार है जो कि मतलब जंगी कैदी की तरह जो है वो पीसता जा रहा है। आज तक जो भी कर्मचारी उसके बाद लगे वो सारे रेगुलर हो गए, कोई रिटायर हो गए, पर उस चौकीदार का मतलब सौतेला व्यवहार हुआ। सरकार के पास उसके पास पैसा नहीं है, आज उस चौकीदार को सड़कों पर उतरने को मतलब ये टाइम आ गया है। अगर मैं आज से ही मतलब जो है वो अनशन एक क्रमिक हड़ताल के ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे को स्थानांतर भी कालीबाड़ी के बाद दिया गया है, और आज नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है मैं मतलब वहाँ बैठने जाऊँगा, और मेरा जो है जब तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तब तक जो है पंचायत चौकीदार संघ एजिटेशन के ऊपर बैठा रहेगा, और मेरा सरकार से दोनों हाथ और जो सौतेला व्यवहार पंचायत चौकीदार से साथ हो रहा है उसके लिए मैं इस सरकार को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। क्यों जो कर्मचारी मनरेगा 2007-08 में शुरू हुआ उसके कर्मचारी भी सरकार ने रेगुलर कर दिए, पर उस चौकीदार जो कि पंचायतों में केवल दो ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक सेक्रेटरी और एक चौकीदार तो चौकीदार है। आज आप देखो J&K में 370 की धारा खत्म हो गई, उस चौकीदार को आज भी आजादी नहीं मिली। बड़े शर्म की बात है, मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धारा 370 भी खत्म हो गई पर पंचायत चौकीदारों को आजादी नहीं मिली, हिमाचल के चौकीदारों को आजादी नहीं मिली, और पंचायत चौकीदार जो है वो जंगी की तरह पीसता जा रहा है। आज उसको सड़कों पे उतरने का समय आ गया है, अपने बच्चों के लिए जो है का पालन पोषण करने के लिए जो है उसके पास इतना धन नहीं है। आज एक चौकीदार 20 रुपए के 7 पंचायतों में कार्यरत लगा है 1985 से, और आज 2021 हो गया तो उसको 5,53 रुपए से वो अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।